नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं जो टेंशन में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। अब तो ऐसा हो गया कि जिनका 50 प्लस भी है वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो मैं उनको ये थोड़ा सी राहत देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको आज से प्रीवियस सबसे पहले बात करेंगे बीए का, फिर बात करेंगे बीएससी का, फिर बात करें बीकॉम का। तो बीए का इसलिए सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि बीए का दो कट ऑफ में एडमिशन हो गया है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे कि दो कट ऑफ पे एडमिशन हुआ तो कितना एडमिशन हुआ है बीए का और कितना लड़के आए कितना लड़के नहीं आए। उससे पहले दोस्तों, अभी तक प्लीज आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आप कॉलेज में जाने के बाद भी हम आपको एक अच्छी अच्छी वीडियो अपडेट करते रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए पटना कॉलेज की बात करते हैं। पटना कॉलेज में पॉलिटी का कितना 65 सीट है, हिस्ट्री का आपका 65 सीट है, और उसके बाद ज्योग्राफी का 70 सीट है। ठीक है, तो पहला दिन जो एडमिशन हुआ पॉलिटी में, वो पहला तो वो जानते हैं कि 230 लड़कों को बुलाया गया एडमिशन के लिए। तो पहला दिन जो एडमिशन हुआ वो 30 लड़कों का हुआ पॉलिटी में। हिस्ट्री में पहला दिन 230 में 14 लड़कों का एडमिशन हुआ और ज्योग्राफी में 27 लड़कों का एडमिशन हुआ। ठीक है, समझते जाइएगा कि कैसे कैसे सब कुछ हो रहा है। पहले अभी पाँच मिनट मेरी बात को आप समझ जाइए सिर्फ कि कैसे एडमिशन हो रहा है, क्या हो रहा है। जब दूसरा बार बीए का कट ऑफ आया तो पॉलिटी में मात्र 15 लोगों का एडमिशन हुआ, अभी हो गया टोटल 45, मतलब 65 में 45। अभी भी यहाँ पर कितना सीट बचा हुआ है, 20 सीट बचा हुआ है। हिस्ट्री में दूसरा दिन मात्र 12 लड़कों का एडमिशन हुआ, हिस्ट्री में दूसरा दिन सेकेंड कट ऑफ में मात्र 12 लड़कों का एडमिशन हुआ, और पटना कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, और ज्योग्राफी में मात्र 11 लोगों का एडमिशन हुआ सेकेंड कट ऑफ में, जबकि सेकेंड कट ऑफ वाले दिन भी बुलाया गया था 230 लड़कों का। तो यहाँ पे जोड़ लिया जाए 38 लड़कों का एडमिशन हुआ सेकेंड कट ऑफ दिन पटना कॉलेज में, सिर्फ 38। मतलब कि और दूसरा यदि हम पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात करें तो दो कट ऑफ मिलाकर टोटल 45 इधर हो गया, 26 इधर हो गया, साथ ही 38 इधर हो गया, इधर मतलब इतना ही एडमिशन हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं बीएन कॉलेज की। पहले बात समझिएगा, हम आपको बताएंगे कि आपका जो क्या चांस होने वाला है, ये पटना यूनिवर्सिटी ऐसा क्यों कर रहा है कि पहले हाई कट ऑफ को उठा रहा है फिर क्या करने वाला है, सब कुछ बात करेंगे। बीएन कॉलेज में पॉलिटी में 70, हिस्ट्री में 70 और ज्योग्राफी में 70 सीट है। विश्वास नहीं कीजिएगा, पॉलिटी में मात्र अभी तक 13 एडमिशन हुआ है, दो कट ऑफ का आ गया है और 70 सीट में मात्र 13 सीट का एडमिशन हुआ है। हिस्ट्री में आपका 70 सीट में, हिस्ट्री में 70 सीट में बीएन कॉलेज में मात्र 7 सीट पे एडमिशन हुआ, 7 सीट पर। ज्योग्राफी की हम लोग बात करें तो ज्योग्राफी में बीएन कॉलेज में मात्र 6 सीट पे, जबकि पटना कॉलेज से ज्योग्राफी लाख गुना बढ़िया है बीएन कॉलेज का। मेरे को पटना यूनिवर्सिटी पटना कॉलेज में भी हो गया था, बीएन कॉलेज में भी हो गया। हम सबसे जाकर पूछे तो सब बोले कि पटना कॉलेज से ज़्यादा अच्छा ज्योग्राफी है जो बीएन कॉलेज का। वहाँ पे एचओटी हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर नागेश कुमार हैं, नागेश सर हैं, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मात्र 6 लड़कों का एडमिशन हुआ है 70 सीट में और दो कट ऑफ पार हो गया। हम पिछले भी वीडियो में यही आपको बताते आ रहे हैं कि कट ऑफ बाय द वे मतलब लड़का कितना पहुँचेगा, वही बात पिछली वीडियो में बताए थे कि आज 20 लड़का पूछेगा तो नेक्स्ट कट ऑफ में 20 नहीं 25 पहुंचेगा। अब तो ऐसा हो रहा है कि अब इस फर्स्ट कट ऑफ में 20 लड़का पहुंचा है तो नेक्स्ट कट ऑफ में 15 लड़का ही पहुंच रहा है। मेन बात कट ऑफ का इशू नहीं है, इशू है लड़कों की पहुंचने की। लड़का पहुंच ही नहीं रहे तो एडमिशन किसका लेगा, तो ऑब्वियसली है कि कट ऑफ कम करेगा। तो एक बात अब देखिए, हम लोग बात करते हैं कॉमर्स पोर्शन की, फिर बात करेंगे थर्ड कट ऑफ कैसा आने वाला है। तो वाणिज्य महाविद्यालय में टोटल 400 सीट है, एडमिशन मात्र हुआ फर्स्ट कट ऑफ में 71 का। अगला भी मांगते हैं नेक्स्ट कट ऑफ में 70 का एडमिशन होगा, नेक्स्ट कट ऑफ में 7 × 35 70 का एडमिशन भी यदि लेता है वाणिज्य महाविद्यालय में तो मात्र 350 लड़का का एडमिशन होगा। कितने कट ऑफ में, 5 कट ऑफ में, 5 कट ऑफ में मात्र 350 लड़का का एडमिशन होगा, समझ रहे हैं। एमएमसी की बात करें तो अढ़ाई है मगध महिला कॉलेज, 250 टोटल सीट है, वो एडमिशन हुआ है मात्र 29 सीट पर, 29 सीट पे एडमिशन हुआ है।
तो हम वही आपको बता रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि 70-70 भी लड़का एडमिशन लेता है तो 350। और एक बात, अभी फायदा क्या हो रहा है आप लोग को, जिनका 45+ है, 50+ है, वो तो सेफ हैं, 50+ वाले तो 100% ही सेफ हैं। लड़कियों में जिनका 40+ है वो भी सेफ हैं। जनरल वाले लड़कों का 40+ सेफ नहीं हो सकते हैं, ऐसा बोल सकता हूँ कि जनरल में जिनका 40+ है लड़कों का नहीं है, बाकी लड़की लोग तो सेफ ही है। हम बात करते हैं, आगे भी बात करें, थर्ड कट ऑफ क्या होने वाला है, कितना साइंस की बात हम लोग करें तो मैथ में 90 का सीट है, एडमिशन हुआ 56 पे, 68 सीट केमिस्ट्री में है, 13 पे मात्र एडमिशन हुआ है, फिजिक्स में 110 सीट है, 39 पे एडमिशन हुआ है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है लड़कियों के लिए कि लड़कियों का जो है वो एडमिशन कम मार्क्स पे हो जाएगा। आपका यदि 40+ है तो इस बार कट ऑफ आएगा, तो पटना यूनिवर्सिटी जो कर रही है, जो पहले हायर कट ऑफ है उससे अपने सीट को फुल कर रही है, हायर कट ऑफ से सीट तो फुल हो नहीं रहा है, 50% लड़के प्रेजेंट हो रहे हैं, मात्र 50% लड़के का एडमिशन हो रहा है, प्रेजेंट ही 50% हो रहे हैं, मतलब 230 लड़कों का बुला रहा है तो उसमें 110 लड़कों का एडमिशन हो रहा है। तो उसी हिसाब से पूरे पटना यूनिवर्सिटी में 1650 सीट है बीए के लिए, एडमिशन अभी मुश्किल से 2-400 पे हुआ है। और देखिए कट ऑफ कम गया, बीए का आ गया 56-57 में, बहुत कट ऑफ कम है कट ऑफ। एक और बात, हम लोग का क्या प्रॉफिट है, हम लोग का ये प्रॉफिट है कि लड़कों का यदि फर्स्ट कट ऑफ में आया नहीं, सेकंड कट ऑफ नहीं आया, तो अब रुख कर लिए अपने नज़दीकी यूनिवर्सिटी की ओर। ये आपके लिए आपके संयम की बात है, 50+ वालों के एक संयम की बात है, वो अपने नज़दीक वाले कट यूनिवर्सिटी में गए, स्पॉट एडमिशन ले लिए, क्योंकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो बगल वाले पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ के, तो सब में स्पॉट एडमिशन का पोर्टल खुल गया है। तो सब लोग जिनका भी लगता है कि नहीं होगा, थोड़ा सा भी डर का माहौल है, उनका क्या हो गया कि वो जाकर स्पॉट एडमिशन ले लेंगे। यदि स्पॉट एडमिशन ले लेंगे उनका कट ऑफ लिस्ट में नाम आ गया तो वो तो नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि उनका ओरिजिनल सीएलसी कॉलेज में जमा हो जाएगा, कॉलेज में जमा हो जाएगा तो पहुंच नहीं पाएंगे, ऑब्वियसली कट ऑफ कम जाएगा। तो जब दो कट ऑफ में हम आपको डाटा बीए का दो कट ऑफ का एडमिशन का डाटा बता दें कि पहला दिन तो पॉलिटी में 30 लड़का आया था और दूसरा दिन मात्र 15 लड़का का एडमिशन हुआ, 12 लड़का का हुआ हिस्ट्री में मात्र, 11 लड़का का हुआ ज्योग्राफी में, दूसरा दिन की बात है, पहला दिन तो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ ही था, ये दूसरा दिन की बात है जो इतना कम एडमिशन हो रहा है। ऐसा ही हाल आपने साइंस की बात करें तो बीएन कॉलेज में साइंस का तो एडमिशन ही अभी नहीं हो रहा है, जबकि कट ऑफ आ गया 58 के पास, एडमिशन नहीं हो रहा है, इतना कम लड़का वहाँ पे जा रहा है, वहाँ भी सीट है, बहुत सा सीट है। तो पटना यूनिवर्सिटी होना चाहिए, वो आपका बीएन हो, पटना साइंस हो, पटना कॉलेज हो, कोई भी हो, यदि नहीं हो रहा है तो बीएन कॉलेज में भी हो रहा है, यदि फिजिक्स मैथ तो बहुत अच्छा है, कोई इशू का बात नहीं है, पढ़ाई होता है, हॉस्टल मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हॉस्टल मिलेगा तो कैसे मिलेगा, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हॉस्टल के लिए लगेगा, कहाँ पे हॉस्टल इसका है, सब कुछ बताएंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिनका 50+ है वो टेंशन ना ले, टेंशन फ्री रहे, बाकी कोई भी अपडेट आता है तो हम देते ही रहते हैं। ये जो अपडेट था छोटा सा आपको बताने के लिए कि आप टेंशन ना लें, आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा, 50+ वालों का तो हो जाएगा, लड़कियों का 40+ वालों का हो जाएगा, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा अभी बचा हुआ है। जो एडमिशन हो रहा है वो 50% पे हो रहा है, जो 50% सीट पे ही एडमिशन हो रहा है, 50% लड़के पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत।